हर हर महादेव दोस्तों, चलिए खरदुंगला की ऊंची चोटियों से निकलकर अब इस बहते पानी के साथ आगे बढ़ते हैं। 14,738 फीट ऊंचे खरदुंगाओं से गुजरते हुए हम जा पहुंचे शोक रिवर के किनारे और शुरुआत में आया ये छोटा सा गांव खलसर। यहाँ कुछ छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट भी थे, कैफे भी थे। फीडर्स ऑफ द फ्रोजन फ्रंटियर्स। यहाँ लगभग हर 20-25 किलोमीटर पर इंडियन आर्मी की कोई पोस्ट मिल ही जाती है। वेलकम टू नुब्रा एंड शोक वैलीज, अडोब ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। और दोस्तों, खलसर के आगे एक टी पॉइंट आता है जहाँ से एक रास्ता तुरतुक की तरफ जाता है और एक रास्ता शोक रिवर को पार करके जाता है नुब्रा वैली में सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। तो आज अभी हम निकल रहे हैं सियाचिन की तरफ और यहाँ से हमें नज़र आया है एक बहुत ही खूबसूरत झरना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, क्या खूबसूरती है इस झरने की। और ये झरना जो है वो जो तुरतुक वाली सड़क है सामने, ये बिल्कुल उसके ऊपर है। और इसका जो व्यू है और इसका जो मज़ा है वो शायद इसी तरफ से लिया जा सकता है। और यहाँ से अभी सियाचिन ग्लेशियर लगभग 100 किलोमीटर आगे है। तो ये है दोस्तों नुब्रा वैली और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे सियाचिन की तरफ। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत है ये वैली। दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। देखो नमित की लुक अभी बनी हुई है रॉकी भाई वाली, KGF वाली लुक्स में अभी नमित फोटोग्राफी कर रहा है और मज़ा आ गया इस पूरे व्यू को देखकर। पहले इस वैली को ही चेक करके आते हैं। तो ये है ब्यूटीफुल नुब्रा वैली और चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे और देखते हैं आज हम कहां तक पहुंचते हैं। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं सुमुर। और ये है दोस्तों सुमुर का बाजार, छोटी सी विलेज है, काफी अच्छी मॉनेस्ट्री है यहाँ पर। और यहीं साथ में आगे है टाइगर विलेज। पहली बार जब मैंने नाम पढ़ा तो मैं पढ़ा गया टाइगर, तो टाइगर विलेज। तो इन छोटे छोटे गाँव से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सियाचिन की तरफ। और खूबसूरती आप देखिए किस तरह से ये बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे गाँव पूरे रास्ते में हैं। और सबसे जो एक यूनिक सी चीज़ है वो ये है, इन गाँवों के आसपास ही सिर्फ हरियाली है, बाकी तो पूरे का पूरा जो है ये वाइट सैंड और ये नुब्रा रिवर का ही पूरा बेड है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों एक छोटी सी और नई विलेज आ गई है त्रिशा। यहाँ पे भी काफी अच्छी ग्रीनरी है और दोस्तों ये है, दिखाई तो एक ग्राउंड दे रहा है पर एक्चुअल में ये एक लेक है जो सूख गई है, इसके अब सेंटर में ही पानी बचा है। तो काफ़ी खुला ये एरिया और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस लेक का। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए पैनेमिक और पैनेमिक में भी बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है और व्यू तो खैर आप सभी देख ही रहे हैं मेरे साथ साथ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ फॉलोइंग ब्रेव माउंटेनियर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द ग्लोरी ऑफ BSF व्हाइल अटेम्प्टिंग ऑन पीक ससेर कांगरी 25,170 फीट ऑन 27 अगस्त 1995। तो ये आ गया है दोस्तों ससोमा विलेज। तो यहाँ से भी हम क्रॉस हो रहे थे तो बच्चे यहाँ सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है पूरे विलेज का और सामने का व्यू तो आप देख ही रहे हैं। तो ये है ससोमा विलेज। और दोस्तों जैसे जैसे अब शाम ढल रही है, सड़क पर पानी भी बढ़ना शुरू हो गया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो दिन भर नाले सूखे थे अब उनमें पानी आना शुरू हो गया है।
तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू भी है, और सड़क की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी मेंटेन सड़क है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो राइट साइड पे जिस माउंटेन पे अभी धूप पड़ रही है ये कराकोरम है, और लेफ्ट साइड पे जिन पे छाया है वो सुल्तारो रेंज है। तो ये है खूबसूरत तबरा, और वो देखिए सामने दोस्तों शाम की धूप किस तरह से सुनहरी चमक रही है पहाड़ पर, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और अभी हम लगभग सियाचिन बेस कैंप से 40-45 किलोमीटर पीछे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पर ये व्यू आप देखिए क्या खूबसूरत है। और इस सड़क को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, मेंटेन रखा गया है, बॉर्डर रोड है। और ये आ गए हैं सैंड ड्यून्स। गाइस दिस इज द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, ये ब्यूटी नुब्रा की सैंड ड्यून्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस वर्षी रह गया 21, बेस कैंप 39, ज्वाला 47। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये आ गई है आर्मी की एक पोस्ट, जहां पर है एक मंदिर सर्वधर्म स्थल। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, शाम को पानी बढ़ जाता है, तो अभी आने लग गई हैं वाटर क्रॉसिंग्स। पर यह है कि एक अच्छी चीज़ है, सड़क बिल्कुल बढ़िया है। और इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए नुब्रा रिवर का व्यू, और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज, और ये छोटे छोटे ब्रिजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा एडवेंचर भी है। और ब्यूटी ये देखिए आप किस तरह से ये पहाड़ बिल्कुल डिफरेंट शेप के। तो चलिए अब शाम हो गई है और हम भी सियाचिन बेस कैंप पहुँच गए। हमारे डिनर की तैयारी, अभी मैं और नमित है सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप, इसके आगे है सियाचिन ग्लेशियर, और उसके बाद है पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर। तो आज हमारा डिनर बन रहा है हिंदुस्तान के आखिरी कोने में। सो गाइस टमाटर की चॉपिंग हो गई है, आलू की चॉपिंग होने वाली है, प्याज भुन रहा है, और आग जली हुई है। नमित शर्मा चांद के साथ, बिल्कुल चंद्रमोहन तिवारी के साथ चमक रहे हैं। तो ये है आज नाइट कैंपिंग, सियाचिन बेस कैंप, सियाचिन ग्लेशियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर ऑन अर्थ। चलिए अभी खाना बनाते हैं और फिर सुबह आपको दिखाएंगे ग्लेशियर। तो गुड मॉर्निंग सियाचिन, हर हर महादेव। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन जहाँ पे हमने रात को अपना कैंप लगाया था। तो ये देखिए, ये थी वो लोकेशन जहाँ पर हम रात को अपना टेंट लगा करके रुके थे। आप देखिए क्या खूबसूरत व्यू है, और पहाड़ों पे इस वक्त धूप आ गई है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, हम बेस कैंप से थोड़ा सा पीछे रुके थे क्योंकि आगे परमिशन नहीं है, बेस कैंप के आसपास आप अपना कैंप नहीं लगा सकते, तो उससे थोड़ा पीछे हमने अपना कैंप लगाया था। तो ये है दोस्तों ओपी बाबा मंदिर, असली मंदिर जो है वो ग्लेशियर में काफ़ी आगे जाकर है, पर टूरिस्ट के लिए इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है। जय भोले बाबा। और मंदिर के पास ये छोटे छोटे पपीज आ गए, और ये सारे इकट्ठे हो गए नमित के पास। गाइस अभी नमित खिला रहा है इन्हें बिस्किट, जो बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ में मिल गए ओपी बाबा के मंदिर के पास।
हिस्ट्री ऑफ सियाचिन। द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कराकोरम रेंज इन द हिमालयाज जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट NJ 9842 वेयर द LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कराकोरम रेंज एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरिया। इट फॉल्स फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5753 मीटर्स अबव सी लेवल एट इट्स हेड एट इंदिरा कोल ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर। द सियाचिन ग्लेशियर लाइज इमीजिएटली साउथ ऑफ द ग्रेट ड्रेनेज डिवाइड्स दैट सेपरेट्स द यूरेशियन प्लेट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन द एक्सटेंसिव ग्लेशिएटेड पोर्शन ऑफ द कराकोरम समटाइम्स कॉल्ड थर्ड पोल एवरेज विंटर स्नोफॉल इज मोर देन 1000 सेंटीमीटर्स approximately 35 feet and temperature can dip to minus 50 degrees Celsius. The Siachen glacier system covers about 700 square kilometers. Sia roses, where soldiers rest in eternal sleep, flowers grow in memory's bright glow. Xerophytic wild roses, Sia rose. The roses not only bestow upon the world's highest battlefield, the Siachen Glacier, its enigmatic name, but their omnipresence lends them the status of the poet's flower of remembrance for the soldiers and airmen who laid down their lives battling two inimical neighbors since 1947. ये है दोस्तों नुब्रा वैली सियाचिन का एक पूरा मॉडल जो यहाँ पे बनाकर तैयार किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम हैं बेस कैंप और यहाँ से आगे है ग्लेशियर और ये है NJ 9842 सिया कांगड़ी और K2 आखिरी में नज़र आ रही हैं सिया कांगड़ी और K2 और उसके साथ साथ है के पास तुमूर और तुरतुक त्याक्षी। तो ये है दोस्तों इंडियन आर्मी द्वारा तैयार किया गया एक मॉडल और ये है दोस्तों परमवीर नायब सूबेदार बाना सिंह। तो दोस्तों आइए इस मैप के द्वारा समझते हैं किस तरह से नायब सूबेदार बाना सिंह ने 1987 में इंडियन जो आर्मी अप्रोच नहीं कर पा रही थी एक जो पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट बनाई गई थी कायद पोस्ट NJ 9842 इस पर उसे किस तरह से वापस अपने कब्ज़े में लिया था। तो ये देखिए आप बेस कैंप से आगे NJ 9842। तो कहते हैं कि 26 जून 1987 को नायब सूबेदार बाना सिंह अपने साथियों के साथ ऊपर चढ़े और इन्होंने 457 मीटर आइस वॉल क्लाइंब करी और उसके बाद कैप्चर किया इस पॉइंट को। तो ये है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, आप देख सकते हैं सामने क्या खूबसूरत बर्फ़ की चादर नज़र आ रही है। तो इसी में 70 किलोमीटर्स अंदर तक ये ग्लेशियर है और इंडियन आर्मी इस पूरे रीजन को कंट्रोल करती है। तो ये है भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो सबसे पहले तो चलिए मिलकर सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को। जय हिंद जय भारत। सियाचिन सोल्जर्स मेकिंग ऑफ द सियाचिन वॉरियर। अजीत है अभीत है करेज एंड फोर्टिट्यूड। तो ये है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पर हमारे सोल्जर्स किस तरह से तैनात होते हैं किस तरह से पहुंचते हैं। पहले एक नॉर्मल जो हमारी आर्मी की ड्रेस है एक राइफल है उसके साथ, उसके बाद जैकेट्स आई, उसके बाद स्नो बूट्स और विंड शीटर्स आए और आज हमारे सोल्जर्स इस हाई टेक
ड्रेस के साथ और इस हाई टेक वेपन सिस्टम के साथ सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी। और यहाँ है दोस्तों एक छोटा सा पार्क जिसमें बताया गया है किस तरह से हमारे सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात रहते हैं। तो ये है वो स्नो स्कूटर्स जो यूज़ किए जाते हैं और ये है वो खूबसूरत पार्क आई लव सियाचिन जो हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने बनाया है। अमर जवान सियाचिन, इट्स ग्लोरी टू डाई डूइंग वन्स ड्यूटी, भगवत गीता। तो ये है दोस्तों सियाचिन वॉर मेमोरियल, यहाँ पर सभी बहादुर जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान देश पर न्यौछावर कर दी। तो ये है अमर जवान, जय हिंद, जय भारत माँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। शहीद जवानों का की याद में बनाया गया एक ऐसा स्थान जहां पर सभी बटालियंस के शहीद जवान जिन्होंने अपनी ड्यूटी सियाचिन में देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश पर। तो चलिए सैल्यूट करते हैं सभी को और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। ये था दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर हमारा ट्रिप, और यकीन मानिए अभी तक हम बहुत खुश थे, बड़ा मज़ा आ रहा था नेचर को देख के, ब्यूटी देख के माउंटेंस की। पर अभी लास्ट में जब सोल्जर्स को देखा और उनका एक अमर जवान मेमोरियल देखा जहाँ पे शहीद हमारे सिपाहियों की याद में उस मेमोरियल को बनाया गया है, तो सच में अभी सुबह सुबह ऐसा लगा कि यार कितना टफ है देश की रक्षा करना और एक ड्यूटी करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर देना। तो दिल से सैल्यूट है, रिस्पेक्ट है इंडियन आर्मी को। और चलिए अभी निकलते हैं सियाचिन से तुरतुक की तरफ। नुब्रा वैली हुंदर, एंड यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन 200 मीटर्स अहेड।